राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के मंडियाप थाने में सोमवार देर रात इस मामले में FIR दर्ज की गई, तो वहीं सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को मोबाइल पर मैसेज भेजकर लखनऊ के अलीगंज, उन्नाव के नवाबगंज सहित कर्नाटक में भी 4 जगहों पर स्थित RSS के कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी 3 भाषाओं में दी गई है, तो वहीं साइबर टीम ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक यह धमकी लखनऊ के अलीगंज में रहने वाले प्रोफेसर नीलकंठ मणिपुजारी के व्हाट्सएप पर मिली है। प्रोफेसर ने FIR दर्ज कराई है कि 2 दिन पहले एक शख्स ने उन्हें यह मैसेज भेजकर धमकी दी है। इस मामले में मंडियाप कोतवाली में मैसेज भेजने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। ATS व अन्य खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। तो वहीं व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है। इनमें से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा का उपयोग किया गया है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार के मुताबिक नीलकंठ मणिपुजारी की तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। हालांकि रात 8 बजे कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, तो वहीं मामले की जांच की जा रही है कि मैसेज कहां से आया, उसके लिए साइबर क्राइम टीम समेत अन्य विभाग काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।